नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने हर व्लॉग्स में कौन सा ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ। ये वाला ट्राइपॉड मैं यूज कर रही हूँ। पिछले जितने भी व्लॉग्स देखे हैं आपने, तो मैंने उसमें इसी ट्राइपॉड को यूज किया है। शुरू के 2-3 व्लॉग्स तो मैंने बस हाथ में फोन लेकर बना लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने लिए ये वाला ट्राइपॉड खरीदा था। इस ट्राइपॉड को यूज करते करते मुझे 1 महीना हो गया है। 1 महीने यूज करने के बाद इस ट्राइपॉड का रिव्यू, कॉस्ट और ये बिगनर फ्रेंडली है कि नहीं, सब कुछ आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं इस ट्राइपॉड का जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो शूट किया था 1 महीने पहले, वहां पर। ये ट्राइपॉड और सेल्फ स्टिक दोनों का ही काम करता है। तो इस ट्राइपॉड को मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। जब ये वीडियो आपके पास जाएगा तब तक मुझे इसे यूज करते करते 1 महीना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे अनपैक कर लेते हैं। ये एक बॉक्स के अंदर आया है, इस बबल रैप के अंदर ये पैक्ड है अच्छे से। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ऊपर एक बबल रैपर है और उसके अंदर आपको बॉक्स में ट्राइपॉड पैक्ड मिलेगा और एक साथ में बिल भी मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ट्राइपॉड को ऑर्डर किया था मैंने 1099 रुपीज में। स्माइल ड्राइव इस ट्राइपॉड की कंपनी का नाम है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बात बता दूं कि एकदम जेन्युइन वीडियो है। मुझे ये ट्राइपॉड अच्छा लगा, इसके लिए इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स से ट्राइपॉड को निकाल लिया है और इसे मुझे लग रहा है कि असेंबल करना पड़ेगा। ट्राइपॉड में फोन होल्डर जो है वो लगा हुआ नहीं है, आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट से इसको लगा लेते हैं। ट्राइपॉड में यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का ये स्क्रू दिख रहा है, तो बस हमें फोन होल्डर को जो है इसी में अटैच करना है। फोन होल्डर में आपको ये गोल्डन कलर का होल दिख रहा है ना, तो इसी को हमें स्क्रू से अटैच कर लेना है। तो चलिए फटाफट से ट्राइपॉड में इस फोन होल्डर को फिट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए बहुत ही इजीली ये फोन होल्डर जो है ट्राइपॉड से अटैच हो जाएगा इस तरीके से, परफेक्टली रेडी। तो इस ट्राइपॉड में नीचे की तरफ आपको 3 स्टैंड मिलता है। इस स्टैंड पर ही पूरा ट्राइपॉड आपका खड़ा रहता है और इसी स्टैंड में आपको ब्लूटूथ का रिमोट भी मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइपॉड के अलावा सेल्फी स्टिक भी है, तो आप इस ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन से ट्राइपॉड को कनेक्ट कर सकते हो और आराम से फोटो भी खींच सकते हो। ये है ब्लूटूथ रिमोट, बिल्कुल छोटा सा आपको ट्राइपॉड के स्टैंड में ही मिल जाता है। ये देखिए, इस ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक कह लीजिए, इसके साथ आपको एक GoPro अटैचमेंट भी मिलता है, पर इसके बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी किसी भी तरह का कैमरा नहीं है। बट अगर आपके पास GoPro है तो आपको इस ट्राइपॉड में GoPro अटैचमेंट भी मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इस पूरे ट्राइपॉड को खोलेंगे कैसे और इसकी लंबाई कितनी है। तो बस पुल करना है और ये ट्राइपॉड आप पूरा इस तरीके से खोल सकते हैं, नॉट ट्रिकी एट ऑल। अब अगर बात करें ट्राइपॉड की लंबाई की, तो ट्राइपॉड को पूरा फोल्ड करके आप इसे 22 सेंटीमीटर तक छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको इस ट्राइपॉड की फुल हाइट चाहिए तो फुल हाइट इस ट्राइपॉड की है 92 सेंटीमीटर। अगर आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पर आप ट्राइपॉड की हाइट मेरी हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। थैंक गॉड किसी की हाइट तो मुझसे कम है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए खैर, अब हम लोग फोन को फोन होल्डर में अटैच करते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है जिससे आप फोन होल्डर को लूज या टाइट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि स्क्रू को घुमाकर मैंने फोन को फोन होल्डर में बहुत अच्छे से टाइट से सेट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि इस ट्राइपॉड में लगे हुए फोन को हम किस किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले फोन अभी पोर्ट्रेट मोड में है जिसमें आप फोटो वगैरह खींचते हैं, तो मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ और ये है पोर्ट्रेट मोड। अब हम रोटेट करके इस कैमरे को लैंडस्केप मोड में कर लेंगे। लैंडस्केप मोड में जनरली हम यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो जो बनाते हैं वो लैंडस्केप मोड में ही बनता है। तो ये हो गया आपका लैंडस्केप मोड कैमरे का। इसके अलावा इस ट्राइपॉड में आप अपने फोन को 360 डिग्री एंगल पर भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीजें दिखाई। फोन को आप इस ट्राइपॉड में पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में तो घुमा ही सकते हैं, इसके अलावा 360 डिग्री पर राउंड भी आप इसे घुमा सकते हैं। तो ये है ट्राइपॉड की थोड़ी सी वैरायटी कि किस किस डायरेक्शन में आप अपने फोन को इस ट्राइपॉड के जरिए घुमा सकते हैं और ट्राइपॉड को पुल करके आप इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इस ट्राइपॉड उर्फ सेल्फी स्टिक के ब्लूटूथ फीचर को भी चेक कर लिया जाए।
तो स्टैंड में से यहाँ पर मैं ब्लूटूथ रिमोट जो है इसका वो निकाल रही हूँ। यहाँ पर आपको ये छोटा सा ब्लूटूथ रिमोट मिल जाता है। तो अब करना क्या है कि हमें फोन को इस ब्लूटूथ रिमोट से कनेक्ट करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें रिमोट को ऑन करना होगा। रिमोट के साइड में आपको ऑन और ऑफ का बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया ऑन, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट यहाँ पर चालू हो गई है। मतलब अब हमारा रिमोट तो ऑन है, अब हम फोन का भी ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। अब ब्लूटूथ के ऑप्शंस को खोलकर जो रिमोट का नाम है ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया यहाँ पर रिमोट से फोन कनेक्ट। चलिए तो अब मैं कैमरा ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि ये ब्लूटूथ रिमोट सही में काम करता है कि नहीं। एंड हेयर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मैं रिमोट का बटन दबा रही हूँ और उधर फोन में अपने आप फोटो क्लिक हो रही है। ये देखिए, फिर से मैं बटन इधर दबाऊंगी और वो फोटो क्लिक हो गई। तो चलिए अब थोड़ा सा कष्ट पतिदेव को भी दिया जाए। तो मैंने आपको ब्लूटूथ फीचर जो है इस ट्राइपॉड का वो भी यूज करके दिखाया। जब भी आप ब्लूटूथ फीचर यूज करते हो ना, इट्स फील्स अमेजिंग। पूरे वीडियो में मैंने आपको ट्राइपॉड का रिव्यू, कॉस्ट सब कुछ बताया है। और व्लॉगिंग में तो मैं खुद ही बिगनर हूँ, तो बिगनर फ्रेंडली है डेफिनेटली। तो आप अगर अपनी स्टडीज के लिए या फिर यूट्यूब पर नया चैनल खोल रहे हो तो इस ट्राइपॉड को जरूर खरीद सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको मैं 4 स्टार देती हूँ क्योंकि कॉस्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, बट मुझे जरूरत थी। मेरा पहला ही ट्राइपॉड था और मुझे जरूरत थी, तो मैंने उतना ही कॉस्ट पे इसको मंगवा लिया और पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। 1 महीने यूज करने के बाद मैंने आपको इस ट्राइपॉड का रिव्यू दिया है। इसी ट्राइपॉड से मेरे सारी व्लॉग्स आते हैं। ये मेरा पहला और अभी तक का एक ही ट्राइपॉड है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे रिव्यू वीडियोस बनाते रहा करूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।